ली so आज का जो टॉपिक है वो फार्मेसी स्टूडेंट के साथ साथ बी एस सी एम एस सी और साइंस स्ट्रीम से जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए भी होने वाला है चलिए डिस्कस करते हैं तो आज का जो कोर्स है हमारा वो है पीजी डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट साइंस ये पीजी डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट साइंस एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स वन ईयर का जो कि फिंगर प्रिंट साइंस के बारे में है यस yes, ये वही फिंगरप्रिंट साइंस है जो कि आप पढ़ते हैं जैसे कि जहां पे क्राइम सीन हो गया है फिंगरप्रिंट का मैच करना है किसी का डीएनए मैच करना है उसके लिए स्पेसिफिक एक डिप्लोमा कोर्स जो कि चलता है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर अहमदाबाद में ये यूनिवर्सिटी जो है उसमें दो कैंपस है एक दिल्ली कैंपस है एक गांधीनगर गुजरात का कैंपस है इस यूनिवर्सिटी में जब मैंने सर्च किया जब इंक्वायरी की तो बहुत ही ऐसे कोर्स अच्छे अच्छे कोर्स चल रहे हैं जो कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट तो होता है बट उनको ये पता नहीं होता है कि ये कोर्सेज चलते कहा हैं ठीक है ठीके? तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से हैं और स्पेसिफिक देखिए एक बार आपने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद आपको स्किल लाइक एक डिप्लोमा अगर करना है स्किल डेवलपमेंट के लिए डिप्लोमा करना है या स्पेसिफिक आपको फॉरेंसिक साइंस फील्ड में जाना है तो आपके लिए डिप्लोमा और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो है बहुत सारे अवेलेबल है जैसे कि एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं ओके कल जैसे कि हमने एक आ, आ, मैंने डिस्कस किया एम एस सी इन फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा टेक्निकल जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है आफ्टर बी फार्म और बी एस सी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं तो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो पी जी डिप्लोमा इन फिंगर प्रिंट साइंस यस फिंगर प्रिंट साइंस के बारे में जैसा कि अबाउट कोर्सेस के बारे में आप पढ़ रहे हैं फिंगर प्रिंट एविडेंस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट मोस्टूडेशन ऑफ गोल्ड एविडेंस ऑफ फॉरेंसिक क्राइम सीन मतलब जहां पे क्राइम सीन हो गया है किसी का फिंगरप्रिंट मैच करना है किसी क्रिमिनल का सस्पेक्ट का फिंगरप्रिंट मैच करना है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड डिप्लोमा कोर्स जो है वो दिया गया है अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वेबसाइट पर जाइए एडमिशन के बारे में आप इंक्वायरी ले सकते हैं चलिए तो ये कोर्स जो है फिंगरप्रिंट साइंस जैसा कि नाम से पता चल रहा है ड्यूरेशन अगर हम देखें तो ये वन ईयर का कोर्स है वन ईयर में आप ये दो सेमेस्टर होंगे ओके वन ईयर में आपके दो सेमेस्टर होंगे वन ईयर का ये डिप्लोमा कोर्स है पीजी डिप्लोमा कोर्स अब एलिजिबिलिटी की बात आती है तो एलिजिबल जो है वो बैचलर डिग्री ऑफ साइंस में जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप बीएससी कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं फॉरेंसिक साइंस मेडिसिन इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी अगर फार्मेसी भी आप कंप्लीट ग्रेजुएशन कर चुके हैं बी फार्मा फिफ्टी परसेंटेज के साथ देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस डिप्लोमा कोर्स कोर्स फीस की मैं बात करूं तो यहाँ पे थर्टी थाउजेंड पर सेमेस्टर मतलब आपके वन ईयर में सिक्सटी थाउजेंड जो है ओवरऑल डिप्लोमा के चार्जेस रहेंगे नंबर ऑफ ट्वेंटी है बीस सीट ही ओनली है हर साल ट्वेंटी सीट्स के ऊपर ही यहाँ पे जो है एडमिशन होते हैं बाकी प्लेसमेंट और रिगार्डिंग इसके कोर्स आउटलेट के बारे में बात करूं मैं तो देखिए ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये डेडिकेटेड इसके लिए प्लेसमेंट सेल वगैरह नहीं लगती है इसमें आप क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं उसके अलावा जो गवर्नमेंट की वैसे वैकेंसी आती है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पुलिस जो हमारी गवर्नमेंट है जो पुलिस है उनके अंडर में जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है उनमें यहाँ पे गवर्नमेंट की वेकेंसी आती है यस नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंसी भी बहुत कम आती है तो जो ये डिप्लोमा कोर्स करने वाले स्टूडेंट भी कम ही होते हैं तो जिनको इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे करियर जो चूज कर सकता है ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैसा लगा आपको मेरा इन्फॉर्मेशन कमेंट में जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो शेयर करें ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग